नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। मरीज को समझ आई डॉक्टर की लिखी पर्ची, और जिस डॉक्टर ने यह पर्ची साफ साफ अक्षरों में लिखी थी उसका सर्टिफिकेट ही मेडिकल काउंसिल ने रद्द कर दिया। यह मामला दिल्ली का है। यहाँ पर एक डॉक्टर के द्वारा जो दवाई की पर्ची लिखी गई वह साफ साफ शब्द में थी और मरीज भी उसको पढ़ सकता था कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, परंतु यह बात मेडिकल स्टोर वालों के गले नहीं उतरी। वैसे अक्सर जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उसके द्वारा जो देखने के बाद दवाई लिखी जाती है, जो जिस हैंडराइटिंग में दवाई लिखी जाती है वह किसी की समझ से परे की बात होती है। मरीज उसको देखकर भी नहीं समझ पाता कि डॉक्टर के द्वारा क्या लिखा गया, परंतु वहीं दूसरी ओर जो दवाइयों के स्टोर खुले हुए हैं, जो दवाई की दुकानें हैं, वह डॉक्टर की भाषा को ही समझ पाते हैं। आम जनता, आम नागरिक के समझ से डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची अक्सर उसके बूते से बाहर की बात होती है। यह इसलिए भी है कि अगर मरीज को साफ साफ पता चल जाए कि कौन सी दवाई डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है, तो फिर दवाई की दुकान वाला उसकी कंपनी या उसका साल्ट या उस दवाई को बदल कर दूसरी दवाई नहीं दे पाएगा। मामला इसी प्रकार का था कि दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट हस्पताल क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर ने यह पर्ची साफ साफ शब्दों में लिखी थी और उसकी शिकायत मेडिकल काउंसिल के पास भी पहुंची, और जो दुकानदार थे उन्होंने इस चीज़ का एतराज भी उठाया कि डॉक्टर के द्वारा साफ साफ पर्ची क्यों लिखी गई, क्योंकि उनका जो रोज़ दवाई बेचने का कार्य है उसमें वह साफ साफ लिखी गई पर्ची बिघन डाल रही थी। इसलिए उन्होंने इस बात के लिए एतराज उठाया और आखिरकार मेडिकल काउंसिल ने उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट ही अन्य कारण लिखते हुए और इस कारण को भी शो करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता मनोज मेडिकल वाले ने हवाबाजी से बात करते हुए गुस्से में कहा कि डॉक्टर राजेश की हैंडराइटिंग के कारण हमारी पैरासिटामोल, डिस्प्रीन, रेंटेक की बिक्री रुक सी गई है। हम कई बार डॉक्टरों की ना समझने वाली हैंडराइटिंग के कारण मरीज की पर्ची में लिखी दवाइयों की जगह ये सारी दवाइयाँ दे देते थे और मरीज खुश होकर ले भी जाते थे। इस सब की वजह से ये दवाइयाँ आज दुनिया भर में लोकप्रिय हुई हैं। जब से इस प्रकार के डॉक्टरों द्वारा साफ साफ हैंडराइटिंग में पर्ची लिखी गई है और मरीज नाम पढ़कर दवाई ले जाने लगा है और हमारी दवाई भी नहीं बिक रही है, वैसे मामला देखने में सुनने में रोचक है कि किस प्रकार डॉक्टर के द्वारा पर्ची पर जो दवाई लिखी जाती है वह किसी के पढ़ने में खास कर नहीं आती है, और इसी का फ़ायदा उठाकर मेडिकल स्टोर वाले दवाइयाँ जो मरीजों को देते हैं उसमें कंपनी या साल्ट को बदल कर वे आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए इस डॉक्टर के द्वारा जो पर्ची लिखी गई वह साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखी थी, साफ शब्दों में लिखी थी, और मरीज की ये समझ में आ रहा था कि उसको कौन सी दवाई लेनी है। इसीलिए जो सारा बवाल वहाँ पर हुआ और उस डॉक्टर को लाइसेंस से भी अपना हाथ धोना पड़ा। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।